लेता हूँ कोई है तो नहीं। उसके बाद से दोस्तों ये यहाँ से ये देखो आप यहाँ खेतों आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे ठाकुर पवन शर्मा ब्लॉग पे। जो सामने ईख पड़ी है और आज मैं ईख चोरी करने वाला हूँ दोस्तों। आज मैं ये किसी और का खेत है और मैं आज ईख खाऊंगा क्योंकि मेरे को इस टाइम ईख खाना है। बिकॉज मेरे को ईख खाने का बहुत मन कर रहा है इस टाइम, तो मैं आज ईख खाऊंगा वो भी चोरी करके। तो अभी पहले मैं देख लेता हूँ इधर उधर कोई है तो नहीं, उसके बाद से मैं जाऊँगा उस तोड़ने और ईख तोड़ने के बाद से मैं यहाँ से ईख खाऊंगा। तो सबसे फटाफट पहले मैं इधर उधर देख लेता हूँ कोई है तो नहीं। उसके बाद दोस्तों देखो, मुझे ईख का नाम भी नहीं पता कि कौन सा ईख कैसा होता है, बट हाँ इतना पता है कि अगर देहात साइड में कोई भी ईख पड़े तो उसके अंदर मिठास होती है। तो मैं चेक करूंगा अभी। ये देखो यहाँ पे जो भी ईख दिख रहा है कोई खाने वाला चीज़ नहीं दिख रहा है मेरे को। बढ़िया है तो खाने वाला ही, लेकिन इसमें वो होता है ना मिठाई, वो मिठाई नहीं मिलेगी इस ईख में, क्योंकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो मुझे भी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये मैं इसी ईख को देखने वाला हूँ कि ये जो ईख है ये कौन सा ईख है। अगर ये ईख का नाम अगर आपको पता है तो आप जरूर बताना। ये मेरे को ईख सही नहीं लग रहा है, इसके अंदर मिठास नहीं होगी। इधर हमको कोई अच्छा सा ईख दिखेगा तोड़ेंगे और खाएंगे। पहले मैं इधर देख लेता हूँ कोई है तो नहीं, कोई देख तो नहीं रहा इस ईख को तोड़ दो, मेरे को दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। एक ईख के लिए पता ना गाँव देहात में कैसे क्या हो जाता है, लोग की जान चल जाती है। तो दोस्तों उस सबसे बचना भी है और मुझे चोरी करके ईख खाना भी है। हाँ अब मुझे लगता है कि मुझे शायद यहाँ कोई अच्छा ईख दिख जाए तो मैं ये देखूंगा। यार देखूँ तो ये भी ईख बढ़िया नहीं है, ऊपर का अच्छा नहीं हटा हुआ इसको। अभी मैं कौन सा ईख तोड़ूँ कौन सा ईख तोड़ूँ। अरे आप भी कोई सजेशन दो यार कि मैं कौन सा ईख तोड़ूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इधर आके देखते हैं। अरे नहीं भाई मैं जल्दी तोड़ के भागूंगा वरना पकड़ लेगा। दोस्तों मेरे को थोड़ा बहुत ये ईख जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है और मुझे लग रहा है कि आप लोग को भी ये ईख बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस ईख में देखो ये पता नहीं कौन सा ईख है, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन मैं इसको तोड़ने वाला हूँ और तोड़ से चुपचाप रस्ते में निकलने वाला हूँ। तो मैं फटाफट पहले इसको तोड़ लेता हूँ और ईख वाला आ ना जाए उससे पहले मैं फटाफट इसको तोड़ लेता हूँ। तोड़ने का स्टाइल मुझे नहीं पता, पता नहीं इसे तोड़ेगा कि नहीं टूटेगा। ये यहाँ से पूरा जड़ से उखड़ गया, टूटा भी नहीं दोस्तों। ये देखो आप यहाँ पे दो दो टूट गया है और मैं इसको इसके अंदर ऐसे डाल देता हूँ वरना फंसना पड़ जाएगा। अगर जैसे वो लोग आएंगे फिर मुश्किल हो जाएगा। अब इसको कैसे तोड़े, इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, फिर मेरा जींस भी खराब होगा दोस्तों। एक खेत वाला आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको ऐसे कर देता हूँ खेत वाले को पता ना चले, नहीं तो पता है ना आप लोगों को क्या होता है, ऐसे रहेगा। अगर आप ही रहता तो बोलोगे कहाँ ईख तोड़ा है, तुम लोग कहाँ ईख तोड़ा है आपको बताओ, वो कन्फ्यूज हो जाएगा कि कहाँ पर तोड़ा है। अभी मैं यहाँ से लेकर छुट्टी स्कूल निकल जाता हूँ, आ जाओ। और फाइनली दोस्तों मैंने ये तोड़ लिया है और अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। अभी अगर मेरे पास खेत वाला भी आ जाए तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि मैंने आपके खेत से ऊँख तोड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसको ऐसे रखा है कि उसको पता भी नहीं चला कि मैं ईख तोड़ा कहाँ से है। फिर वो दिखाएगा क्या कि हाँ वो ईख कहाँ से तोड़ा है। चलिए फिर मैं इसको अब खाना स्टार्ट करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक नाव पड़ी है आराम से इस नदी किनारे, गंडक नदी के बीच में। मैं यहाँ पे इस नाव पे चढ़ के और यहाँ बैठ के आराम से ईख खाऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो आप नाव देख रहे हो और ये वाला जो आप नदी देख रहे हो ये गंडक नदी है। यहाँ पर मैंने इसके पहले भी बहुत सारी वीडियो बना रखी है और आप लोगों ने देखा है, तो उम्मीद है मेरा हर वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगता हो। चलिए अब हम अपना ऊँख खाते हैं। यहाँ पर बैठने का तो जगह मिल गया, स्थान मिल गया और आप देख सकते हो कितना खूबसूरत यहाँ पर पानी भी दिख रहा है। मज़ा आएगा ना दोस्तों, आप भी आइएगा ऐसे लोकेशन पर तो बहुत मज़ा आएगा। कभी ऐसे लोकेशन पे आके ईख खाते हुए कभी किसी को देखना बहुत अच्छा लगेगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हो कि मैंने अपना ईख खत्म कर दिया है और मैं इसको मतलब देख सकते हो आपकी अब ये ईख खाने लायक नहीं है, मतलब बहुत ही अब अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि ये छोटा पोल हो गया इसका, तो इसको तोड़ने में भी थोड़ा मुश्किल होगा। तो फिलहाल हम इसको फेंक देते हैं और दोस्तों अब जैसे ईख हमारा खत्म हो गया वैसे अब हम भी इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मैं हमेशा आप सबके लिए ऐसे ऐसे अपडेट लाता रहूंगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।